उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। फर्स्ट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ठीक है। चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस हैं जो आप देख के बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। इस वक्त जो टॉपिक मेरे पास है वो ये है कि आप लोगों ने अक्सर कई किस्म की लीकेजेस देखी होगी इनडोर में, आउटडोर में, रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ एक अवेयर मैसेज देना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि चलें जो जॉइंट्स होते हैं वहीं पर लीकेज है, तो ऐसा नहीं होता। बाज़ होकर लीकेज आपको पाइपिंग पे भी मिलती है। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को गाइडलाइन देना ज़रूरी है, मेरा काम है, तो मैं इसमें आपको अवेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये ग्री का एक टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशन है, और इसके अंदर प्रॉब्लम यह आया है कि जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जितने भी जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से कोई भी लीक नहीं है। अब ये देखें, ये सक्शन का इसका जॉइंट है, ठीक है। सक्शन का जो जॉइंट है यहाँ पर लीक होना चाहिए, लेकिन ये लीक है, देखिए ये पाइप जा रहा है यहाँ से, इस जगह से ये लीकेज हुआ है। ये मैंने अभी कट करके यहाँ पर पाइप बनाया। अगर आप इसको कट करके पाइप नहीं बनाएंगे और पाइप के अंदर पाइप को फिक्स नहीं करेंगे, तो होगा ये कि विद इन मंथ ये दोबारा से लीकेज हो जाएगा। तो जो चीज़ लीकेज है यहाँ से कट करके हम इसको इसके अंदर मूव करेंगे, फ़िक्स करेंगे और प्रॉपर रिपेयरिंग करेंगे। रिपेयरिंग के बाद ही ये रिलायबल रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और जस्ट आप रिपेयर करके बस चला देते हैं काम, तो ऐसा कभी भी ना करें, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, हमने पहले भी इस तरीके के टाँके लगाए, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम ऊपर से टाँका लगाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, विद इन मंथ लीकेज हो ही जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इस तरीके से कट किया करें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लाजमी इसको कट करें। और ये कट करने के बाद आप लोग इसको प्रॉपर वेल्डिंग करें। वेल्डिंग कैसे करनी है मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, देखें ये मैंने यहाँ से कट किया है, ये मैंने बेसिकली ये आरी की मदद से कट किया है, क्योंकि ट्यूब कटर भी यहाँ पर टकर रहा था तो प्रॉपर कट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसका यूज़ किया, ठीक है, आरी का यूज़ किया है, आरी से मैंने इसको कट कर दिया है। अब जस्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, जो जगह यहाँ से डैमेज हुई हुई है, जहाँ से लीकेज हुआ उस जगह को निकाल के इस पाइप को यहाँ तक ला के फिक्स करके टाका लगाएंगे। तो इससे ये होगा कि रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्यूचर में कभी भी ख़राबी इस जगह से नहीं आएगी। मैं भी पॉसिबल लॉन्ग टाइम बाद कभी आ जाए, लेकिन ये भी एक जॉइंट ही बन जाएगा जैसे कंपनी ने ये वाले जॉइंट दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर से ऐसे ही जस्ट यहाँ पर माल लगाएंगे, जैसे यहाँ से लीक हुआ है आपने यहीं पर अगर माल लगा दिया, तो लाजमी लीकेज करेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ख्याल करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भाइयों की हेल्प हो सके, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बाय द वे, आपको इस तरीके से देखें, जो कट वाला जगह था, जो जहाँ से लीकेज हो रहा था उस जगह को देखें, मैंने काट के निकाल दिया, इस पाइप को ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर दिया। अब देखें, थोड़ा सा नीचे डाउन करके इसको इसके अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका एक जॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये ऐसा प्रॉपर जॉइंट होगा कि अब लीकेज वाला मामला यहाँ नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर रेडी रहिए, एक महीने डेढ़ महीने बाद ये दोबारा से लीक होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जॉइनिंग करनी है। प्रॉपर जॉइनिंग जब तक नहीं करेंगे आपका टाँका लगेगा नहीं, और फिर आपकी जितनी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस पर वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके भी आपको दिखाते हैं। तो आफ्टर वर्किंग जो ब्रीजिंग वगैरह हमने की, वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसके अंदर ब्रीजिंग थी, जॉइंट्स कोई भी लीकेज नहीं था, पाइप कोई भी लीकेज नहीं था, जस्ट इसमें पाइप की जो गोलाई होती है वहाँ से डैमेज हुआ था। और कमाल की बात यह है कि जो डैमेज भी हुआ तो वो टकरने की वजह से नहीं हुआ, किसी जगह से टच भी नहीं हो रहा था, इसके बावजूद वो लीकेज हो गया। खैर, समटाइम ऐसा भी होता है, इस तरीके की चीज़ें भी आती है, तो आप लोग मोहतात रहिया करें, ठीक है। ग्री